नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लिपकार्ट पर किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं जिसकी प्राइस हाई होती है और हम उतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि उसको कैंसिल कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि हम किसी भी प्रोडक्ट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट पर कोई भी ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। फ्लिपकार्ट पर किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए हम सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक ऑप्शन है माई ऑर्डर्स का, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगे जो हमने ऑर्डर किए होंगे। तो जैसे कि मैंने ये घड़ी ऑर्डर की है, हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स नज़र आ जाएगी, जैसे कि इसकी प्राइस, शिप डिटेल, पैकेट डिलीवरी, कब तक होनी थी, वो सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैंसिल का, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने दो ऑप्शन आए, चेंज डिलीवरी एड्रेस और दूसरा है कैंसिल आइटम। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे कैंसिल आइटम पर। तो यहाँ पर देखिए इसकी और भी डिटेल खुलकर नज़र आएगी। सबसे पहले ये रीजन पूछ रहा है, यानी रीजन फॉर कैंसिलेशन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट के साथ फिट बैठता है, यानी कि क्यों कैंसिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चुन लेता हूँ, आई हैव चेंजेड माई माइंड, यानी कि मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझको नहीं लेना, और ये कर दिया सिंपल। कमेंट्स के लिए ऑप्शनल है तो अब डालना कोई ज़रूरी नहीं है, हम सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन कन्फर्मड हो गया, और नीचे चेक स्टेटस पर क्लिक करके हम इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ऑर्डर हुआ था लेकिन फिर कैंसल सक्सेसफुली हो गया, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैंसल हो गया। तो ये तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था जिसकी वजह से मुझे कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर आपने किसी और पेमेंट मेथड से ऑर्डर किया है, यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट किया है, तो उसके बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि हमारे पैसे कब तक आएंगे और पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो ये साइट हैं, ये बहुत ही ट्रस्टेड साइट हैं और बड़े पैमाने पर चलती हैं, तो यहाँ पर पैसे खपने के कोई चांस नहीं होते हैं। वो कभी कभी क्या हो जाता है कि पैसे आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, जैसे कि 6 घंटे या 12 घंटे, लेकिन आपके पैसे ज़रूर आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये एक इंडिया की ही साइट है तो यहाँ पर डिलीवरी चार्ज वो नहीं लेते हैं। लेकिन जो अमेज़न की साइट है, वहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और फिर कैंसिल करते हैं तो आपको वहाँ पर डिलीवरी चार्ज लग जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूंगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो पर भी बताया था, कि आप जब भी ऑर्डर करें तो कैश ऑन डिलीवरी ही करें, जिससे कि काफ़ी झंझटों से बच जाएं, यानी कि काफ़ी दिक्कतों से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।